नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कटाक्ष टीवी में। और आज हम बात करेंगे उस कुख्यात गैंगस्टर की जिसने वर्षों से चल रही नरेश भाटी और सुंदर भाटी की दुश्मनी में एक अलग तरीके से खूनी तड़का लगाया। और अगर दोस्तों आपने अभी तक नरेश भाटी वर्सेस सुंदर भाटी की कहानी नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और उन दोनों के ऊपर पूरी कहानी बनाई है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं उस गैंगस्टर की जिसने वर्षों से चल रही नरेश भाटी सुंदर भाटी की खूनी झड़प को अलग तरीके से रंग दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनिल नागर और अनिल दुजाना की। अनिल दुजाना का जन्म गाजियाबाद से 13 किलोमीटर दूर दुजाना गांव में हुआ। अनिल नागर बाद में अपने गाँव का नाम इस्तेमाल कर अनिल दुजाना हो गया। वैसे तो दुजाना गाँव का शुरू से ही एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है और 70-80 के दशक में सुंदर डाकू का इस इलाके में अच्छा खासा बोलबाला था, अच्छा खासा खौफ रहता था। सुंदर डाकू को पुलिस ने एक एनकाउंटर में मार गिराया और बावजूद इसके सुंदर डाकू की इमेज वैसे रॉबिन हुड से कम नहीं थी, पर आज के दौरान में वह इलाका अनिल दुजाना के नाम से खौफ खाता है। दुजाना गाँव के लोग अनिल दुजाना के बारे में आज भी बताने से कतराते हैं, पर सुंदर डाकू के किस्से को बड़े जमकर सुनाते हैं। दुजाना गांव में 80% लोग गुजर समुदाय में आते हैं, बाकी 20% लोग अन्य बिरादरी के हैं। साल 2000 में जब दुनिया 21वीं शताब्दी में स्वागत कर रही थी, एंट्री ले रही थी, तो उसी दौरान अनिल नागर जुर्म की दुनिया में अपना कदम धीरे धीरे बढ़ा रहा था। अनिल नागर पर साल 2002 में पहला केस दर्ज हुआ और मामला था एक साइकिल चोरी करने का। अब इस केस की वजह से आज वह एक बड़ा गैंगस्टर बना है। बताया यह भी जाता है कि अनिल दुजाना पर एक साइकिल चोरी का इल्ज़ाम आपसी रंजिश में लगाया गया था और इसी लगाए हुए इल्ज़ाम की वजह से अनिल दुजाना यह सोच लेता है कि अब कुछ ना कुछ बड़ा किया जाए। और धीरे धीरे अनिल दुजाना ने छोटी मोटी चोरी लूट की वारदात को अंजाम दिया। फिर एक दिन उसकी पहुँच भाटी गैंग तक हो गई। अनिल दुजाना कैसे नरेश भाटी गैंग का खास हो गया, इसमें गांव वाले बताते हैं कि नरेश भाटी के भांजे अमित कसाना और अनिल दुजाना में गहरी दोस्ती हुआ करती थी। बात चले पे जब अमित कसाना ने सुंदर भाटी को मारने की बात की तो अनिल दुजाना से कही तो अनिल दुजाना ने तुरंत हाँ कर दी थी। अब उस दौरान अनिल दुजाना हर तरह के हथियार चलाने में निपुण हो चुका था और एक अचूक निशानेबाज बन गया था। अब इसी के दौरान देखते हुए अनिल दुजाना की नरेश भाटी गैंग में बतौर साफ शूटर एंट्री हुई और उसी दौरान बताने वाले बताते हैं कि अनिल नागर पर नागर सरनेम सूट नहीं कर रहा था। नाम के खौफ को दुनिया में बनाने के लिए अनिल नागर ने गांव का इस्तेमाल करके अनिल दुजाना हो गया था। इसके बाद वो आए दिन लूट, हत्या, फिरौती जैसे मामले में अनिल दुजाना पर केस भी दर्ज होने लगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका नाम अब बढ़ने वाला था, बोलवाला होने वाला था। और अगर आपने महाभारत जैसे देखी होगी, उसमें जो द्रोणाचार्य था, द्रोणाचार्य ने एकलव्य की जो परीक्षा ली थी कि वो कितना निपुणबाज है, कितना तीरंदाज है, तो इसी तरीके से अशोक निशानेबाज होने के तौर पर अनिल दुजाना की परीक्षा होनी अभी बाकी थी। और वह समय जल्दी आ गया कि साल 2011 में नरेश भाटी के छोटे भाई रणदीप भाटी को खबर मिलती है कि सुंदर भाटी अपने साले की शादी में गाजियाबाद के एक बैंक्वेट हॉल में पहुंचने वाला है। अब इसके बाद रणदीप भाटी ने अपना पूरा प्लान अमित कसाना अनिल दुजाना को समझा दिया था। सुंदर भाटी को मारने के लिए पूरी तरीके से प्लानिंग बन चुकी थी। जिस बैंक्वेट हॉल में सुंदर भाटी आने वाला था उसके चप्पे चप्पे पर चारों तरफ शूटर छिप गए थे। अब सुंदर भाटी को मारने के लिए वहाँ पर पूरा असला पहुँच गया और जैसे ही सुंदर भाटी अपने साले की शादी में पहुँचा, उसके बाद पूरा बैंक्वेट हॉल AK-47 बंदूक की गोलियों की आवाज़ से गूंज रहा था। थोड़ी देर में हॉल में चारों तरफ लाश बिछ गई। इसके अलावा लोग इधर उधर भागने लगे, पर सुंदर भाटी किस्मत का धनी निकला और मौत उसके करीब से निकली और सुंदर भाटी वहाँ से भाग गया।
अब होता क्या है कि सुंदर भाटी को मारने के लिए कुख्यात मुकीम काला और अनिल दुजाना ने भी हाथ मिला लिया। मुकीम काला ने गौतम बुद्ध नगर में अनिल दुजाना का साथ दिया तो अनिल दुजाना ने भी मुजफ्फरनगर में दोहरे हत्याकांड में मुकीम काला का साथ दिया। अब उसी दौरान सहारनपुर में भी 12 करोड़ की डकैती के बाद दिल्ली हरियाणा यूपी पुलिस मुकीम के पीछे थी। और जब इधर से उधर मुकीम काला भाग रहा था तो उस वक्त अपने जिगरी यार के लिए सेफ ठिकाने का जुगाड़ अनिल दुजाना ने ही किया था। 22 नवंबर 2011 की सुबह खेड़ी गांव के प्रधान की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी और इस हत्या के मामले में अनिल दुजाना पर नामजद FIR दर्ज हुई। अब इसके बाद पुलिस ने दबिश डालनी शुरू करी और फिर से वह दिन आ गया जब अनिल दुजाना को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अनिल दुजाना जेल के अंदर रहते हुए भी अपनी गैंग को ऑपरेट करने लगा। वह अपने गुर्गों को भेजता, लोगों को मरवाने का इंतजाम करता था। और इसके बाद भी आए दिन दुजाना गैंग और सुंदर भाटी गैंग के बीच में गैंगवार भी होती रहती थी। अब साल 2014 में अनिल दुजाना के छोटे भाई जय भगवान को किसी ने गोली मार दी। इसके बाद दुजाना गैंग ने आरोप यह भी लगाया कि यह काम सुंदर भाटी गैंग ने किया है। भाई आपसी रंजिश के बाद लोग हमेशा यही तो सोचेंगे अपोजिट पार्टी ने यह अंजाम दिया है या अपोजिट जो लोग हैं उन्होंने मारा है। फिर इसके बाद इलाके में गैंगवार की वारदात अचानक से बढ़ने लगी और इस गैंगवार में उस इलाके में पड़ने वाले गांव तंग आ चुके थे। हर किसी को मौत का खतरा लगने लगा था क्योंकि गांव के युवा इस गैंगों में धीरे धीरे शामिल हो रहे थे। इन गैंगवारों के कारण गांव की बेइज्जती होने लगी थी। फिर वह सारे गांव मिलकर एक पंचायत बुलाते हैं जिसमें कि दोनों गैंग शामिल थी और दोनों गैंगों से आश्वासन ये लिया जाता है कि अब यह खूनी झड़प ख़त्म करो और दोनों गैंग आश्वासन भी ये देती हैं। पर लोग ये बताते हैं कि यह दुश्मनी ख़त्म करना बस एक दिखावा था, लोगों को एक संतुष्टि देनी थी। अंदर से तो अपोजिट लड़ाई थी, एक दूसरों को मारने को तैयार थे। इस बीच 2014 में नोएडा में एक बड़ी वारदात हुई जिसमें से चुनाव से पहले बीजेपी नेता विजय पंडित की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। इसके बाद विजय पंडित की पत्नी ने इसका सीधा आरोप अनिल दुजाना पर लगाया। अब विजय पंडित की जो पत्नी थी उसने आरोप लगाया कि अनिल दुजाना ने जेल से ही फ़ोन करके, क्योंकि वो तो जेल से ही ऑपरेट करता था, जेल से ही फ़ोन करके विजय पंडित को मारने की धमकी दी थी। बताते हैं कि अनिल दुजाना ने अपने दुश्मन सुंदर भाटी को मारने की 1 करोड़ की सुपारी मुन्ना बजरंगी को दी थी। अब इसके बाद मुन्ना बजरंगी ने अपने शार्प शूटर तैनात करा दिए। पर जिस दिन दिल्ली में सुंदर भाटी को पीसी पर लाया गया उस दिन मुन्ना बजरंगी के शूटरों को सुंदर भाटी को मारने का मौका ही नहीं मिल पाया। अब इसके बाद एक और मौका आया कि बागपत जेल में जुलाई 2018 को, पर यह मौका कोई दूसरा उठा ले गया। पर मुन्ना बजरंगी को सुनील राठी ने बागपत जेल में मार गिराया। अनिल दुजाना पर 45 से ज़्यादा केस दर्ज हैं जिनमें से हत्या, रंगदारी, लूट जैसे मामले दर्ज हैं। जेल के अंदर गैंगवार न हो इसलिए अनिल दुजाना को दिल्ली NCR से दूर महाराज जंग की जेल में रखा गया था। अनिल दुजाना ने पुलिस से कहा था कि मुझे सुंदर भाटी और कई छोटे मोटे गैंगस्टरों से जान का खतरा है। अब देखो सोचने वाली बात यह है कि जो आदमी लोगों को मारता है, सुंदर भाटी को मारता है, दूसरे किसी लोगों को मारता है, वो आज ये कह रहा है कि पुलिस से कि पेशी के दौरान मुझे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाओ। डर की वजह से जो अनिल दुजाना था तो पुलिस उसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाती थी। 15 फरवरी 2019 को जब अनिल दुजाना को सूरजपुर कोर्ट में पेश किया गया तो वहाँ पर पुलिस के सामने एक अजीब वाक्या हुआ। पेशी पर पहुँचे अनिल दुजाना ने एक पूजा नाम की लड़की को रिंग पहना के मंगनी कर ली। इसके बाद इन दोनों की शादी को लेकर एक बड़ा खुलासा होता है कि उसमें पता चलता है कि पूजा और उसका परिवार बागपत के बड़ौत का रहने वाला है। पूजा के पिता लीलू का बागपत के रहने वाले हैं और राजकुमार से कुछ ज़मीन विवाद चल रहा था, इसलिए पूजा के पिता ने लीलू राजकुमार से बदला लेना चाहते थे। तो वहीं राजकुमार ने अपनी दोनों बेटियों की शादी गाजियाबाद के कुख्यात बदमाश हरेंद्र खड़खड़ी से कर दी थी और इसके बावजूद लीलू से ज़्यादातर ताकतवर हो गया था।
इसके बाद लीनू ने यह सोचा कि अगर राजकुमार से पंगा लेना है तो मुझे हरेंद्र से बड़े गैंगस्टर से हाथ मिलाना है। तो इसलिए इसके बाद लीलू ने अनिल दुजाना से अपनी बेटी की शादी करा दी। मतलब सीधे सीधे कहने का ये मतलब है कि लीलू ने अपनी आपसी रंजिश के लिए उससे बड़े गैंगस्टर से अपनी बेटी की शादी कराई थी। पर इसके बाद पुलिस ने अनिल दुजाना पर दोबारा से शिकंजा कसा खेड़ी हत्याकांड के गवाह धमकाने के चक्कर में। तो दोस्तों यह थी कहानी शार्प शूटर अनिल दुजाना की। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं जल्दी अगली कहानी में। जय हिंद, जय भारत।